सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपी फोटो एडिटिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, तो आज हम आपको इस वीडियो में न्यू ईयर फोटो एडिटिंग कर बताने वाले गाइस। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। सो इस वीडियो में हम आपको काफी शॉर्ट तरीके से बताएंगे कैसे आप अपने नॉर्मल फोटो को न्यू ईयर फोटो एडिटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो इस वीडियो में जितने पीएनजी का यूज किया गया वो सभी पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट फॉर इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीकार्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ऐड कर लिए। सो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, देन यहाँ पे हम ऐड फोटो पे कर दें क्लिक। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडल का पीएनजी ऐड कर लेंगे। सो हम यहाँ पे ऐड कर लिए, देख सकते हैं। सो इसे ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे हम इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। सो हम इसे यहाँ पे अच्छी तरीके से जूमिंग करके यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सो ये सभी पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो ये फिक्स कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे कर देंगे डन। सो हम यहाँ पे डन कर देते हैं, देख सकते हैं जूमिंग करके आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ टूल्स पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ टूल्स पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टूल्स पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हम ड्रॉ टूल्स में आ चुके हैं। देन यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करेंगे। ब्रश पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे कोई सभी ब्रश आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो हम यहाँ पे 3 नंबर वाला ब्रश सेलेक्ट कर लिए हैं। सो इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद इसका हम यहाँ पे साइज ओपेसिटी ये दोनों को हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। सो हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, ये दोनों को हम यहाँ पे माइनस के साइड रखेंगे। देन ये कर देने के बाद यहाँ पे हम जो हमारा जो शूज़ है इसके नीचे हम यहाँ पे साइड ऑफ क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही इजी से यहाँ पे ब्रश करना है उसके जस्ट नीचे ही शूज़ के नीचे। तो हम यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे हम शूज़ के नीचे यहाँ पे ब्रश कर लेंगे। सो हम यहाँ पे फटाफट ब्रश कर लेते हैं। सो ये कर देने के बाद यहाँ पे जूम आउट कर लेंगे, देख सकते हैं। देन यहाँ पे लेयर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इसका ओपेसिटी हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। सो हम यहाँ पे माइनस के साइड कर लेते हैं। माइनस के साइड कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साइड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ये हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से उस पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे इरेजर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा शूज़ है के नीचे जो साइड है ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, तो इसे हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। तो इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे हम ब्रश कर लेंगे। सो हम यहाँ पे इरेजर वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रश कर लिए हैं। सो देख सकते हैं। देन यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब इसका हम ओपेसिटी माइनस के साइड करके यहाँ पे हम ब्रश करेंगे। सो हम यहाँ पे ब्रश कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम ब्रश कर रहे हैं किस तरीके से। सो आप बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ब्रश करिएगा। सो ये दोनों पर ब्रश कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे कर देंगे डन। सो डन कर देने के बाद यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। ये हो जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाएंगे पीकार्ट के। देन यहाँ पे कर देंगे ऐड फोटो पे, फिर से हम यहाँ पे कर देंगे क्लिक। देन यहाँ पे एक और पीएनजी हम ऐड कर लेंगे। सो इसे ऐड कर देने के बाद यहाँ पे जूमिंग करके यहाँ पे फिक्स कर लिए। सो फिक्स कर देने के बाद इसे भी हम यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जूमिंग करके आपको दिखा दे रहे हैं। देन यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। सो ये हो जाने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा गैलरी में सेव। सो इसे हम यहाँ पे लाइट रूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लाइट रूम एप्लीकेशन में इसे ऐड कर लिए। देन यहाँ पे लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिए। यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, इस फोटो पे ये हो जाएगा गैलरी सॉरी लाइट रूम में ओपन। देन यहाँ पे इसका लाइट, यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका जो एक्सपोजर साइडो वगैरह है ये सभी को हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। सो हम यहाँ पे साइडो को इसको यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं और इसका हाइलाइट्स यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, इसका कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। ये सभी को ज़्यादा नहीं छेड़ना है, सिर्फ हल्का हल्का यहाँ पे सभी को छेड़ना है, देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो यहाँ पे इसका ब्लैक है इसको भी हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। सो ये मैनेज हो जाने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्टिव टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो लीनर ग्रेडियंट्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस वाला आइकन सॉरी
यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे नीचे के साइड स्क्रॉल करके ऊपर के साइड स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ पे ये हो जाने के बाद लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसका साइड हो यहाँ पे हम माइनस के साइड इंक्रीज कर लेंगे, व्हाइट इसका हम यहाँ पे माइनस के साइड इंक्रीज कर लेंगे, इसका ब्लैक यहाँ पे माइनस के साइड इंक्रीज कर लेंगे। माइनस के साइड इंक्रीज कर लेने के बाद यहाँ पे इसका एक्सपोजर भी हम यहाँ पे माइनस के साइड कर लेंगे, सो यहाँ पे माइनस के साइड इंक्रीज कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक, डन डन कर देने के बाद यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सो ये हो जाने के बाद मिक्स कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेकंड थर्ड नंबर पे जो येलो कलर है इसका सेचुरेशन ह्यू ये दोनों को हम यहाँ पे इंक्रीज कर लिए हैं, ह्यू भी इसको इंक्रीज कर लिए हैं, लुमिनस भी यहाँ पे हम इंक्रीज कर लिए हैं। सो ये हो जाने के बाद यहाँ पे कर देंगे ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक, देन यहाँ पे इसे भी मैनेज कर लेंगे, सो ये मैनेज कर लेने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर वाला कलर है इसको भी हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, सो इसको भी हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, सेचुरेशन लुमिनस और यू इन तीनों को यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। सो ये मैनेज कर लेने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे डन, डन कर देने के बाद इसका वाइब्रेंस यहाँ पे माइनस के साइड यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, सो ये देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो ये हो जाने के बाद शेयर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव टू डिवाइस, सो ये हो जाएगा गैलरी में सेव, सो ओके कर देंगे। सो आज के लिए बस।